राम राम जी सारे भैयानों। तो आज हमें जी आज सबसे पहले दिखाएं आपको बारिश, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है जी। तो जी मौसम हो रखा है बहुत ज्यादा खराब, और मैं और हमारे साथ मनु भैया, हमारे हमें एक सेवा मिली है गौरक्षा के लिए, तो अभी हम वहां निकलेंगे। अभी इंतजार कर रहे हैं अपने भाई का, अभी का तो पहुंच ही रहा है, जैसे अभी वो पहुंचता है तो हम अभी निकल जाएंगे। क्या हुआ है कि एक गांव की पता चला है कि उसके पाँव में चोट लगी है, और एक हमारे भाई साहब है ऋषु जी, वो वहीं पे हैं, वहाँ उनसे मिलेंगे, वहीं पे हैं, उन्होंने बुलाया कि आ जाओ जल्दी से, तो देख के डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब को बुलाएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, हम क्या इसमें कर सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए, चले मनु। हम रास्ते में आ रहे थे, तो रास्ते में है मंदिर, हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है, हमें हमारे अभी भाई साहब भी मिल गए, पीछे हैं हमारे अमन जी, ये भी हमारे सेवक ही हैं। तो हमने मंदिर माथा टेका, हमने कहा कि भगवान जी पिछले 48 घंटों से, 48 घंटे हो गए ना, दो दिन हो गए पूरे, 48 घंटों से बारिश हो रही है, इसी से रोके। और जैसे हमने बताया कि हम गौ सेवा के लिए जा रहे हैं, वो भी बारिश में हैं, तकलीफ में हैं, तो बारिश तो बिल्कुल चाहिए होती है, अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो मदर डे का हुआ, भगवान से कहा कि बारिश के लिए रोक ले प्लीज़। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे हमने कहा था कि हम अभी से लेंगे, लेकिन हमारे एक गौर गौ सेवक, उन्होंने कहा कि हम भी साथ में जाएंगे, तो वो भी हम जा रहे हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं। ऋषु भाई का फ़ोन आ रहा है, वो बोल रहे वो वहाँ पर अकेले हैं, तो वहाँ जाके मिलते हैं उनसे। वो रहे हम ऋषु भाई के पास, तो आ गए हमारे ऋषु भाई साहब जी, और रहे अब वो बात कर रहे हैं कोई कहाँ पे है। बारिश अभी हमने जैसे कहा था कि बारिश बहुत तेज है, अभी बारिश फिर से, बादल फिर से गहरे हो रहे हैं। नहीं हूँ, क्या प्रोग्राम है, क्या कहने पे ना, पहले देखी थी, चल गई, चली थी, चलो चलिए ना, चलो फिर सारे चलते हैं पहले। अच्छा ऋषु भाई कितने हैं, रुक जाओ सारे। अच्छा क्या पाँव च, डॉक्टर साहब ने उसी कॉल किया फिर ना, है पाँव बिच लगी हुई, एक मिनट भाजी, वैसे करना तो नहीं चाहिए, थोड़ा जहा इस नाल जोर लगाना पाएगा, सानू इसनू फड़ना पाएगा, ठीक है। ओए होए होए होए, जय बजरंगबली महाराज, पाँव च देखो गौ माता, पाँव की क्या हालत है, बड़ी तकलीफ है वहाँ। चलो फिर असी रस्सा लेके आइए पहले, चलो फिर इन नहीं तो इन भजना फिर, ठीक है रस्सा रस्सा लिया के फिर थोड़ा तरीके दे ना करते हैं ना। अभी हम डॉक्टर साहब को हमने की कॉल कर रहे हैं, ऋषु भाई साहब, लेकिन आज जैसे है संडे, तो वो भी छुट्टी पे हैं, डॉक्टर जी भी छुट्टी पे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं उनको बुलाने की, भाई आए आप हमारी थोड़ी सी मदद करें, बाकी रस्सा हमें मिल गया है। कीड़े भी आ रही है, कीड़े तो होने ही हैं, ये देखो ना यार ये सब, ये
डॉक्टर साहब आ गए हैं अभी, उन्होंने अपना सारी मेडिकल किट लेके आए अपने। वो भाई डॉक्टर साहब को भी बड़ा धन्यवाद, छुट्टी वाले दिन वो भी हमारे पास आए हैं। रिशु भाई साहब गए एक रस्सी लेने के लिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि गाय को लिटाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि खड़ी हुई है गाय, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ में है गाय। ये डॉक्टर साहब परमानेंट इलाज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये मौके वगैरह होते हैं पशुओं को, उसकी वजह से। तो मैंने बोला मैं करना था, मैं तेन दस दूंगा, तो डॉक्टर साहब ने जो है ट्रीटमेंट तो कर दिया, ड्रेसिंग कर दी, अभी यहाँ पे है डॉक्टर साहब, अभी जा रहे हैं, डॉक्टर साहब चले गए, उनका हमने कर दिया धन्यवाद। अभी ऋषु भाई के हवाले हम करके फिर हम भी अभी निकल जाएंगे, एक और नंदी जी हैं, शायद से ऋषु भाई को भी वहाँ जाना पड़ेगा साथ में, नंदी जी है, उनको भी ट्रीटमेंट चल रहा था उनका भी, और ऋषु भाई बता रहे हैं कि अभी वो शायद से नहीं है, सांसें उनकी चल नहीं रही अभी, तो भी वहाँ जाके भी देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे थे, और यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह की बोतल्स वगैरह लगी हुई, तो यहाँ पे उनका उपचार हुआ था। मगर अभी हमने देखा तो जैसे बताया कि वो थे तो है नहीं, तो उनको हमारे दूसरे गौ रक्षक थे, उन्होंने उनका पूरे विधि विधान से सारा उनको ले जाके जो था उनका कर दिया। अभी यहाँ पे है तो नहीं, तो हम भी फिर वापस निकल रहे हैं सारे भाइयों के लिए, और फिर मिलेंगे हम दोबारा नए ब्लॉग में। और जीने का हक सबको है, तो अगर आपके आसपास कोई भी जानवर है जो बीमार है जिसे इलाज की ज़रूरत है, तो कोशिश करें खुद करें, अगर नहीं हो सकता कहीं किसी भी बजरंग दल किसी को भी बताएं, डॉक्टर्स को बताएं, जीने का अधिकार सबको। चलिए ठीक है जी, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम।